गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू। पेंडलम ईडीयू पे आप सभी का स्वागत है। और कैसे आप सब लोग, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं एंड रोजाना डेली करंट अफेयर्स को भी फॉलो कर रहे होंगे। और गाइज, मैंने कल आपको बजट सेशन भी कराया था, तो आई होप आपने वो अटेंड किया होगा, बजट के मेजर हाईलाइट्स कराए थे। और गाइज, आज 9:30 बजे बिल्कुल आप सेशन को अटेंड करिएगा। बजट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बजट रिलेटेड जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो आपको किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सब मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगी, ठीक है। तो गाइज, जल्दी से एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। इसके अलावा गाइज, आप अगर आरआरबी एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं तो आप Priyanka10 का कोड लगाइए, यहाँ पर आपको 10% ऑफ मिलेगा, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज पर। आपको पता है आरबी एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं, फेज 3 चल रहा है, इसके बाद आपका जो फेज 4 है वो आपका 15 तारीख के बाद से स्टार्ट होगा। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज, जो भी एग्जाम दे रहे हैं। तो फेज 1 और फेज 2 के जो भी क्वेश्चंस हैं गाइज, वो आपके जो है आ चुके हैं वेबसाइट पर, ठीक है, पूरा कंपाइलेशन है। क्वांट के क्वेश्चंस भी हैं वहां पर आपके पास, जीके रीजनिंग सभी के क्वेश्चंस आपको वहां पर मिलेंगे, तो आप उसको जरूर डाउनलोड करिए। जो भी आने वाले शिफ्ट में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर 5 बजे हम लोग एनालिसिस में मिलेंगे। सो चलिए हम लोग डेली करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। अभी हमारे साथ रूही, विश्वरूपम, तनु, अनूप सभी लोग जुड़ चुके हैं। ओके, चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। चलिए, तो पहले प्रीवियस डे के क्वेश्चंस फटाफट से रिवाइज करते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 4 फरवरी, 2 फरवरी, 2 दिसंबर एंड 4 जून। जल्दी से बताइए वर्ल्ड वेटलैंड डे, जल्दी से बताइए गाइस, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? सो वर्ल्ड वेटलैंड डे आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है हर साल, ताकि जो वेटलैंड्स हैं, जो आपकी आर्द्र भूमि है, इसकी जो भी इंपॉर्टेंस है वो लोगों तक बताई जा सके, लोगों को बताई जा सके कितना इंपॉर्टेंट है आपका वेटलैंड। वेटलैंड या आर्द्र भूमि क्या होती है? ऐसे रीजन होते हैं जो आपके फुली, पूरी तरह से या फिर पार्शली वाटर से कवर्ड होते हैं, पार्शली कवर्ड विद वाटर। जैसे इसमें आपके एग्जाम्पल आप ले सकते हैं वेटलैंड्स में, जैसे आपके मार्शेस होते हैं, ठीक है, देन इसके बाद आपके जो डेल्टाज होते हैं, जो फ्लड प्लेन्स होते हैं, ठीक है, ये सभी आपके वेटलैंड्स के एग्जाम्पल होते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड वेटलैंड डे 2021 की अगर हम बात करें, 2021 की हम बात करें, तो इसकी जो थीम है वो है वेटलैंड्स एंड वाटर, वेटलैंड्स एंड वाटर। और इस बार 2021 में 50th एनिवर्सरी है, 50वीं सालगिरह है रमसार कन्वेंशन की। रमसार एक जगह है, कहां पर है? ईरान में है। सो रमसार जो आपका जगह है, वहां पर रमसार कन्वेंशन साइन हुआ था कि भाई जो भी वेटलैंड्स हैं इनको हम यहां पर कंजर्व करेंगे। और कल संजीव पूछ रहे थे, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि भाई जो आपकी रमसार साइट्स हैं जो डिक्लेयर की जाती हैं, वो इसीलिए डिक्लेयर की जाती है क्योंकि वो आपकी साइट्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होती है, उनका कंजर्वेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, उन्हीं को रमसार लिस्ट में ऐड किया जाता है। तो भारत की टोटल 42 साइट्स हैं यहाँ पर जो रमसार में है, ठीक है, इंडियन साइट्स हैं टोटल 42। इसमें जो 42nd है, जो लेटेस्ट ऐड हुई है, वो आपकी है तसोकार लेक कॉम्प्लेक्स। तसोकार लेक कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? ये लद्दाख में है। ये सभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कल, ठीक है, फटाफट से मैंने आपका एक रिवीजन भी करा दिया। ओके, चलिए, ओके अनूप, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट इज उत्तराखंड है सेट अप इट्स फर्स्ट अर्बोरेटम इन डैश डिस्ट्रिक्ट। उत्तराखंड ने डैश जिले में अपना पहला वनस्पति शाला स्थापित किया है, नैनीताल, अल्मोड़ा, चामोली एंड देहरादून। तो उत्तराखंड ने अपना वनस्पति शाला कहां पे स्थापित किया है? तो ये नैनीताल में स्थापित किया गया है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ये अनूप, अभी संजीव प्रेजेंट नहीं है, आई नो दैट, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर उत्तराखंड की हम बात करें, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट एर्बोरेटम इसको एस्टैब्लिश किया गया है। इसके बाद जो आपका लार्जेस्ट बोटानिकल पार्क है, लार्जेस्ट बोटानिकल पार्क जो है ये आपका बोटानिक गार्डन है, बोटानिक नेशनल पार्क है, बोटानिक गार्डन के नाम से है ये, आपका कोलकाता में है, ये सबसे बड़ा यहाँ पर बोटानिकल पार्क है, ठीक है, क्लियर है सभी को। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। यस रूपाली, प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट आपका नैनीताल। नेक्स्ट इज यूनियन कैबिनेट इज अप्रूव द प्राइवेटाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पीएसयूज। इनमें से निम्न में से किस सार्वजनिक उपक्रम के निजीकरण को मंजूरी दे दी गई है? तो यहाँ पे किस पीएसयू को यहाँ पे उसका सार्वजनिक जो निजीकरण है वो किया जाएगा?
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, ऑयल इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा इस कमेंट करके। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। यहां पर इसका प्राइवेटाइजेशन होगा, ये क्लियर नहीं किया गया कि इसकी जो सब्सिडियरीज हैं उनका भी प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। तो अभी करंटली आपके नवरत्न पीएसयू है, दिस इज अ नवरत्न पीएसयू। इसके अलावा जो आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये आपकी महारत्न पीएसयू है, आपकी जो ONGC भी है ये भी आपकी महारत्न पीएसयू है। आ रही बात सबको समझ में? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यस, रूपाली इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है, वो अनूप आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट विल होल्ड एटलीस्ट डैश स्टेक इन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फॉर कमिंग 5 ईयर्स। सरकार आने वाले 5 वर्षों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम में कम से कम डैश हिस्सेदारी रखेगी, 81%, 75%, 69% एंड 51%। तो कल इस न्यूज में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, वो मैं कंफ्यूजन आपका क्लियर कर देती हूँ। उसका करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 75%। ठीक है, सो 75% इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर सरकार ने ये कहा कि अभी से जो 5 साल है इनमें तो सरकार 75% अपना स्टेक रखेगी, और वो जो अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के लिए, उस अमेंडमेंट में क्या कहा गया है कि आने वाले जो और 5 साल है, यानी कि अब 5 साल तक तो वो 75% अपना स्टेक रखेगी गवर्नमेंट, और उसके अगले 5 साल में सरकार जो है 51% तक हिस्सेदारी रखेगी। तो यहाँ पर LIC को डिसइन्वेस्ट करने का कोई सरकार का ऐसा इरादा अभी तो नहीं है। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, यस बिल्कुल शिवा राम कुमार, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। आगे चलते हैं, अभी न्यूज क्लियर है ना सभी को? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एरो इंडिया 2021 लोगो इज इंस्पायर्ड बाय डैश। एरो इंडिया 2021 का लोगो डैश से प्रेरित है। एरो इंडिया जो आपका शो होता है एक बाइनियल एयर शो है, बाइनियल एयर शो है, यानी कि हर 2 साल में ये एक बार होने वाला एयर शो है। ये होता कहां पर है? ये कर्नाटका में होता है, बेंगलुरु कर्नाटका में ये होता है। ठीक है, सो इस बार जो इसका लोगो है इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक है, क्लियर सभी को? यस, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज हु इज अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ नासा। ओके रूपाली, सेम क्वेश्चन। देखिए रूपाली, अभी हम यहाँ पर प्रीवियस डे के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे आज की न्यूज और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से आप यहाँ पर प्रीवियस वाले के आंसर करिए, फिर हम यहाँ पे नए वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ नासा कौन है? सो अजय लोधा, भव्य लाल, देन गीतांजलि राव एंड मांजुल भार्गवा। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ नासा किसको अपॉइंट किया गया है? भव्य लाल को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, यस, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इंडिया विल सेट अप इट्स फर्स्ट सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट इन डैश। भारत डैश में अपना पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र स्थापित करेगा, हैदराबाद, कोची, देहरादून एंड मुंबई, सॉरी चेन्नई। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सरकार ने अभी यहां पर अनाउंस किया था ऑन वर्ल्ड वेटलैंड डे कि वो एक सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट को स्थापित करेगा, तो ये कहां पे स्थापित किया जाएगा? यस अनु, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। वेरी गुड अनूप, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के बारे में कौन सा यहाँ पे कथन सही है? दिस वॉज लॉन्च इन 2014, इसको 2014 में लॉन्च किया गया था। इट एम्स टू कब रीजनल इम्बेलेंसेज इन द फील्ड ऑफ हेल्थ सर्विसेज। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन को रोकना है। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू एंड नन ऑफ द अबव। सो यहां पर गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज बोथ वन एंड टू, क्योंकि 2014 में इसको लॉन्च किया गया था और इसका एम यही है कि जो हमारी हेल्थ सर्विसेज है इसमें जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इसमें जो भी क्षेत्रीय असंतुलन है इसको रोकना है। तो इसके अंतर्गत दो इसके एम है कि एम्स के जैसे एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन को हमें स्थापित करना है, एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन टू बी एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, दूसरा यहां पर है कि जो हमारी क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन है उसको एंश्योर करना है, जो मेडिकल एजुकेशन है उसमें जो है मेडिकल एजुकेशन, क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन को एंश्योर करना है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? यस मृगांकर, राम कुमार, शिवा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज पट्टचित्रा पेंटिंग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। पट्टचित्रा पेंटिंग जो है इनमें किस राज्य से संबंधित है? तो अभी संडे को जो अभी प्रीवियस जो संडे था प्रधानमंत्री ने मन की बात प्रोग्राम में जिक्र किया था पट्टचित्रा पेंटिंग के बारे में, ठीक है, इसलिए ये चर्चा में था। सो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ये केरला से है, ओडिशा से है या फिर महाराष्ट्र से है। ओके ओके, थैंक यू दिलीप फॉर दिस कमेंट। ओके यस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज उड़ीसा। उड़ीसा से संबंधित है पट्टचित्र पेंटिंग। तो देखिए कैसी होती है पट्टचित्र पेंटिंग, इसमें क्या किया जाता है, डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है और जो इसकी थीम होती है वो ज्यादातर आपकी जो है जो कृष्णा है उन पे बेस्ड ये थीम यहाँ पर होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यस अनूप, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर जो करंट अफेयर्स उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो आईसीसी का मैंने बताया था, भी हमने डिस्कस किया था कि आईसीसी ने कहा कि अब वो प्लेयर ऑफ द मंथ जो अवार्ड है मेन और वुमेन कैटेगरी में इसको अनाउंस करेगा। तो आईसीसी ने यहाँ पे ऋषभ पंत और इंग्लैंड के स्कीपर जो रूट और आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग को आईसीसी मेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है, ठीक है, और इसको जनवरी मंथ के लिए दिया जाएगा। जनवरी में जो रूट ने स्कोर किए थे 426 रन दो टेस्ट मैच में, ऋषभ पंत ने स्कोर किए थे 245 रन इन टू टेस्ट मैचेस और पॉल स्टर्लिंग ने स्कोर किए हैं 420 रन इन 5 ओडीआईस, ठीक है। इसके अलावा विमेन कैटेगरी में पाकिस्तान की दियाना बेग और साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर शबनम इस्माइल और मरी जेन काप ये सभी नॉमिनेट हुए हैं फॉर दी मंथली ऑनर, ठीक है। विमेन कैटेगरी में ये है और मेन कैटेगरी में इनको नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। ओके, आईसीसी हैज इंट्रोड्यूस द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड इन जनवरी 2021। जनवरी 2021 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की शुरुआत की गई है और ये हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। इसमें जो भी बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, मेल क्रिकेटर हो चाहे फीमेल क्रिकेटर हो, जितने भी फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट है, चाहे आपका वनडे क्रिकेट है, चाहे आपका टेस्ट मैच है, T20 है, जैसा उसमें परफॉर्मेंस रहेगा उस बेसिस पे दिया जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की हम बात करें तो गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट है ये वर्ल्ड की, 1909 में स्टैब्लिश हुई थी। पहले इसका नाम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था, तब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के जो प्रतिनिधि थे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने इसको स्टैब्लिश किया था। बाद में इसका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो गया। हेडक्वार्टर कहाँ पर इसके? दुबई UAE में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर आईसीसी मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। निम्न में से किसे आईसीसी मेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नामित किया गया है? सो ऋषभ पंत, जो रूट, पॉल स्टर्लिंग एंड ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से बताइए गाइस क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ऋषभ पंत, जो रूट, पॉल स्टर्लिंग, तीनों को ही नॉमिनेट यहाँ पे किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज फ्रॉम बुक्स एंड ऑथर सेक्शन। दलाई लामा ने एक नई बुक लिखी है जिसका टाइटल है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, ठीक है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? जो तिब्बती आध्यात्मिक नेता है दलाई लामा, उनके द्वारा ये लिखी गई है। इसको एडिट किया है रेणुका सिंह ने और पब्लिश किया गया है पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा। इसमें करीब करीब 130 कोट्स हैं, 130 उद्धरण इसमें शामिल है। इस बुक में इन्होंने मेंशन किया है कि अगर हमें खुश रहना है तो हमें अंदर से यहाँ पर शांति रखने की जरूरत है, ठीक है। इट इज द की टू हैप्पीनेस इज योर इनर पीस, ठीक है। हम ढूंढते हैं कि खुशी बाहर है, खुशी हमारे अंदर ही है, ठीक है। अगर हमारा मन शांत है तो हम खुश रह सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और ये भी कहा कि हमें ह्यूमन वैल्यूज को इनकलकेट करने की जरूरत है इनर पीस के लिए, ठीक है। अगर हमारे अंदर ह्यूमन वैल्यूज अच्छी हैं तो आराम से हम वहाँ पे इनर पीस को इंश्योर कर सकते हैं, और अगर हमारे अंदर आंतरिक शांति रहेगी तो खुशी हमें हमेशा मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए, इन इस बुक ही डिस्कस द चैलेंजेस एंड इम्पैक्ट ऑफ COVID-19। यहाँ पर इन्होंने जो भी चैलेंजेस रहे हैं, जो भी COVID-19 का इम्पैक्ट रहा है, वो सभी को इसमें डिस्कस किया। इसके अलावा उन्होंने क्लाइमेट चेंज पे बात की है, ग्लोबल वार्मिंग पे बात की है, इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में बात की है, तिब्बत के बारे में कुछ उन्होंने बात की है। दलाई लामा क्या है? ये एक टाइटल है जो तिब्बतन पीपल जो है फॉरमोस्ट स्पिरिचुअल लीडर जो भी होता है तिब्बतन बुद्धिज्म का, उसको ये टाइटल दिया जाता है। तो अभी करंट दलाई लामा 14वें यहाँ पे जो है दलाई लामा है, 14th दलाई लामा है। इनका असली नाम है तेंजिंग ग्यात्सो, ठीक है। सो तेंजिंग ग्यात्सो करंटली इनका नाम है और ये करंट दलाई लामा है। क्लियर है सभी को? ओके,
सो क्वेश्चन आपके लिए, हु इज द ऑथर ऑफ द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट? द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट के लेखक कौन है? शशि थरूर, दलाई लामा, राजीव दीक्षित एंड स्मृति ईरानी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए। यस शिवा, अनूप, रूपाली, मृगांका। यस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज दलाई लामा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज यूनिफाइड वेब पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ गोवर्धन एक्टिविटीज लॉन्च। तो एक यहाँ पर एकीकृत जो है वेब पोर्टल फॉर्म किया गया है ताकि जो गोवर्धन एक्टिविटीज हैं इसको मॉनिटर कर सके। इसको किस किसने लॉन्च किया है गोवर्धन एक्टिविटीज के लिए वेब पोर्टल को? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, पेट्रोलियम मिनिस्टर जो है, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री और जल शक्ति के जो मंत्री हैं, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। गोवर्धन एक्टिविटीज फॉर्म अ की कंपोनेंट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन फेज टू फॉर ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो गोवर्धन गतिविधियां जैविक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्वच्छ भारत मिशन चरण दो का एक प्रमुख घटक है। गोवर्धन प्रोग्राम विल प्रोवाइड पीपल अ वे फॉर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ डंग एंड अचीव द गोल ऑफ ODF प्लस। तो ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस जो का जो गोल है उसको अचीव करने में मदद करेगा। इसके अलावा लोगों को जगह मिलेगी कि भाई कहाँ पर हमें जो काउडंग्स वगैरह है इसको फेंकना है, कहाँ पे डिस्पोज करना है, तो गोवर्धन प्रोग्राम के अंतर्गत इसको किया जाए। तो गोवर्धन प्रोग्राम में क्या है कि यहाँ पे जो डंग है, जो काउडंग है, उसको कलेक्ट किया जाएगा एक पर्टिकुलर प्लेस में और वहां पर जो है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या फिर कोई इस तरह के छोटे मोटे वहां पर एक स्टैब्लिश किया जाएगा सेटअप, ठीक है, ताकि जो गोबर गैस है, गोबर से वो जो आपकी गोबर गैस निकलती है उसको फॉर्म किया जा सके और वहां से फिर जो डिफरेंट घरों में यहाँ पर गैस की सप्लाई की जा सके। तो इसलिए इससे क्या होगा, इससे दो फायदे होंगे, एक तो प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट होगा, दूसरा यहाँ पे इनकम का सोर्स भी एक तरह से जनरेट होगा फार्मर्स के लिए। क्लियर है सभी को? रूरल एरियाज में ये चीज होगी। ओके चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज पेट्रोलियम मिनिस्टर सेड दैट थ्रू स्कीम ऑफ गोवर्धन पीपल वुड गेट इथेनॉल, बायोडीजल एंड कंप्रेस्ड बायोफ्यूल इन फ्यूचर। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि गोवर्धन योजना के माध्यम से लोगों को भविष्य में इथेनॉल, बायोडीजल और कंप्रेस्ड जो भी आपका बायोफ्यूल है ये फ्यूचर में मिलेगा इससे। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि ODF प्लस का जो गोल है फेज टू स्वच्छ भारत मिशन का, वो इस पर निर्भर करेगा क्योंकि इसका एक कॉम्पोनेंट है। ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति विल वर्क टू इम्प्लीमेंट गोवर्धन स्कीम। तो ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जो है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आता है, ये गोवर्धन स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में, उसको लागू करने में मदद करेगा और ये जो है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज टू के अंतर्गत ये ऑपरेशनलाइज होगा। ठीक है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ही आपको ये जो है इसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जा सकता है, स्कीम को प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। क्लियर है सभी को? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज टू की हम बात करें तो फेज टू जो है अभी सरकार ने एक साल पहले ही इसको अप्रूव किया है फेज टू को, और जो फेज टू फोकस करता है ये अब ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस पे फोकस करता है। ODF सस्टेनेबिलिटी एंड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ ODF प्लस। तो ODF प्लस क्या है? एक तो है कि ODF सस्टेनेबिलिटी यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री जो है ये चालू रहे, इसको जारी रखा जाए, क्योंकि यहाँ पर अभी कहा गया कि जो बहुत सारे विलेजेस हैं, जो रूरल एरियाज हैं, वो ODF फ्री डिक्लेयर कर दिए गए हैं, सो वो मेंटेन रहे चीज। और दूसरा ये है कि जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके। तो ये ODF प्लस के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत दो घटक हैं। तो बिल्कुल क्वेश्चन कहीं भी आपको पूछा जा सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज टू के जो घटक हैं ये कौन से, ODF प्लस के जो घटक हैं ये कौन से हैं। क्लियर है सभी को? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर्स फॉर एग्रीकल्चर, पेट्रोलियम, एनिमल हस्बेंड्री एंड जल शक्ति लॉन्च्ड अ यूनिफाइड वेब पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। हाल ही में कृषि, पेट्रोलियम, पशुपालन और जल शक्ति के लिए केंद्रीय मंत्रियों ने निम्न में से किसकी प्रगति की निगरानी के लिए एकीकृत वेब पोर्टल लॉन्च किया है? गोवर्धन एक्टिविटीज, ODF प्लस सिटीज, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, किसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए एक यूनिफाइड वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जल्दी से बताइए गाइस। यस शिवा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, ऑप्शन ए इसमें गोवर्धन एक्टिविटीज इसका करेक्ट आंसर होगा। यस चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यस राम का भी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यस वेरी गुड। चलिए
इंडिया इज होस्टिंग इंडियन ओशन रीजन डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव। तो भारत यहाँ पर जो इंडियन ओशन रीजन डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव है इसको होस्ट कर रहा है और थीम क्या है, एनहेंस्ड पीस सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन इन द इंडियन ओशन। तो जो हमारा हिंद महासागर है इसमें शांति रहे, सुरक्षा रहे और सभी सहयोग करें, इसके इस थीम पर यहाँ पर ये आपकी IOR डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव आयोजित की गई है। इसको भारत ने मेजबानी इसकी की है। तो अभी एरो इंडिया 2021 चल रहा था उसी के साइडलाइंस पर इसको होस्ट किया गया है क्योंकि काफी कंट्रीज ने एरो इंडिया 2021 में पार्टिसिपेट किया है। तो चार कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर ने इसमें कंफर्म किया है फिजिकल पार्टिसिपेशन। तो मालदीव्स, कॉमरोस, ईरान और मडागास्कर के जो डिफेंस मिनिस्टर थे सो उन्होंने अपना फिजिकल कंफर्मेशन जो है कि भाई फिजिकली वो पार्टिसिपेट करेंगे उसमें, तो उन्होंने कंफर्म किया था। इंडियन ओशन रीजन डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव इज एन इनिशिएटिव टू प्रमोट डायलॉग ऑन पीस स्टेबिलिटी प्रॉस्पेरिटी इन इंडियन ओशन रीजन। नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको कि ये एक कॉन्क्लेव है और इंडियन ओशन रीजन से संबंधित है। तो जो हमारा हिंद महासागर का क्षेत्र है हम क्या चाहते हैं, उसमें शांति रहे, सुरक्षा रहे सभी की और सभी वहां पर ग्रो करें, यही इसका मेन मोटो है। सो यहाँ पर कॉन्क्लेव के दौरान जो है इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की गई कि जो मैरिटाइम रीजन है, जो मैरिटाइम एरिया है वहाँ पे क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हैं उन पर इन्फॉर्मेशन शेयर की गई। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात की गई कि भाई अगर कहीं पे डिजास्टर आता है या फिर जैसे अभी COVID-19 जैसी सिचुएशन है तो वहाँ पर असिस्टेंस प्रोवाइड करने की बात की गई। तो इन सब चीज़ों पर यहाँ पर चर्चा हुई है। तो आपको पता है कि जो हमारा जब COVID-19 चल रहा था तो काफी देशों में जैसे मालदीव्स है, मॉरिशियस है, देन आपके मडागास्कर है, इन सभी देशों में भारत ने जो है अपने शिप्स के जरिए काफी मेडिसिन और जो इम्पोर्टेंट असेंशियल आइटम्स हैं उनको वहां पर पहुंचाया था। ठीक है, द इंडियन ओशन इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ओशन। तो तीसरा सबसे बड़ा जो ओशन है वो आपका इंडियन ओशन है एंड दिस इज बाउंडेड बाय एशिया टू द नॉर्थ। तो इसके नॉर्थ में एशिया है, आपने देखा ही है मैप है ना, अफ्रीका इसके वेस्ट में है और ऑस्ट्रेलिया इसके ईस्ट में है। ठीक है, तो ये भारत है, नीचे यहां पर इंडियन ओशन है, तो ऊपर यहां पर पूरा एशिया का रीजन है, इधर यहां पे ऑस्ट्रेलिया है आपका ईस्ट में और इधर वेस्ट में आपका अफ्रीका है। राइट, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइए, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज होस्टिंग इंडिया ओशन रीजन डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव। निम्न में से कौन सा देश हिंद महासागर के तटवर्ती देशों के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, इंडिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया एंड मडागास्कर। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज इंडिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज अजय सिंह को इलेक्ट कर लिया गया है फॉर सेकेंड कंजेक्यूटिव टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के दूसरी बार लगातार अध्यक्ष किसको बनाया गया है, अजय सिंह को बनाया गया है। उन्होंने महाराष्ट्र के स्पोर्ट्स मिनिस्टर आशीष शेलर को यहां पर इलेक्शन में हरा दिया और फिर से दूसरी बार यहां पर प्रेसिडेंट बन गए हैं। इसके अलावा हिमांता कुमार कलिता, दिग्विजय सिंह ये इलेक्ट हो गए हैं एज दी सेक्रेटरी जनरल एंड ट्रेजरर। तो हिमांता कुमार सेक्रेटरी जनरल है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के और दिग्विजय सिंह जो है ये ट्रेजरर है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। तो जो भी हमारी ओलंपिक स्टाइल बॉक्सिंग होती है उसके लिए जो नोडल बॉडी है, ठीक है, ये आपका कौन है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है। तो जो भी आपके इंटरनेशनल अमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन होती है मेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप इसको ये होस्ट करेगा 2021 में। ठीक है, सो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया 2021 का जो आपका इंटरनेशनल अमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन मेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप है इसको होस्ट करेगा। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन कहीं भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, कि कौन से वर्ष में भारत होस्ट करेगा। सो क्वेश्चन इज हु हैज बीन इलेक्टेड फॉर अ सेकेंड कंजेक्यूटिव टर्म एज बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में लगातार दूसरी बार किसे चुना गया है, आशीष शेलार, अजय सिंह, हिमांत कुमार कलिता एंड दिग्विजय सिंह। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज अजय सिंह। हिमांत कुमार कलिता ये बन गए हैं सेक्रेटरी जनरल और दिग्विजय सिंह जो हैं ये बन गए हैं ट्रेजरर। क्लियर सभी को, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखिए। चौरी चौरा सेंटेनरी सेलिब्रेशन इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी इन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तो कल यहां पर 4 फरवरी को चौरी चौरा के जो 100 वर्ष हैं
वो पूरे हो गए, मतलब आपके जो 100वां वर्ष है वो चल रहा है, तो इसको पूरा 1 साल के लिए सेलिब्रेट किया जाएगा। चौरी चौरा जो इंसिडेंट हुआ था ये आपका 4 फरवरी 1922 में हुआ था, ठीक है, और अगले साल यानी कि 2022 में इसको पूरे 100 वर्ष हो जाएंगे, तो इसका जो सेनेटरी सेलिब्रेशन है ये पूरा 21 से लेकर 2022 तक ये चलेगा। सो दिस सेलिब्रेशन मार्क दी 100 ईयर्स ऑफ चौरा चौरी चौरी चौरा इंसिडेंट। तो आपको याद होगा जब नॉन कॉपरेशन स्टार्ट हुआ था, मूवमेंट आपका 1920 में, तो नॉन कॉपरेशन जब स्टार्ट हुआ था तो तब गांधी जी ने कहा था कि जो हमारा मूवमेंट रहेगा ये पूरा जो है नॉन वायलेंट रहेगा, बस हम सरकार को कॉपरेट नहीं करेंगे किसी भी कार्य में, तो ये नॉन कॉपरेशन का मेन था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 4 फरवरी 1922 में लोगों ने कुछ पुलिस वालों को जो है चौरी चौरा में पुलिस थाने में उनको जिंदा जला दिया था, तो ये एक्ट जो है वायलेंट बन गया था, और फिर इसी के चलते हुए जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको एंड कर दिया गया था, ठीक है। सो इसीलिए काफी मेजर इवेंट है जो हमारे इंडियन हिस्ट्री में, हमारा जो आपका फ्रीडम मूवमेंट है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट था। सो दिस स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑल्सो लॉन्च्ड अ वेबसाइट ऑन दिस ओकेजन। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर एक वेबसाइट भी लॉन्च की है इसकी सेंटेनरी सेलिब्रेशन के लिए, और साथ ही पीएम मोदी ने एक पोस्टल स्टैम्प भी रिलीज किया है विच इज डेडिकेटेड टू चौरी चौरा सेंटेनरी। यूपी सीएम हैज ऑर्डर द इंक्लूजन ऑफ चौरी चौरा इवेंट इन द करिकुलम ऑफ यूपी बोर्ड। तो उन्होंने कहा कि यूपी बोर्ड में जो चौरी चौरा जो हुआ था इसको आप जो भी बुक्स हैं इसमें आप इंक्लूड करिए। इसके अलावा एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू रिकॉर्ड चौरी चौरा सेंटेनरी सेलिब्रेशन इन द गिनीज बुक बाय सिंगिंग वंदे मातरम। तो यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि जो चौरी चौरा सेंटेनरी सेलिब्रेशन है इसको गिनीज बुक में डाला जाए वंदे मातरम गा के, ठीक है। सो देखते हैं कि इसको गिनीज बुक में जगह मिलती है या फिर नहीं मिलती है, ठीक है। इन इंडियन हिस्ट्री वायलेंस एट विलेज चौरी चौरा इन गोरखपुर ऑन 4 फरवरी 1922 इज नोन एज चौरी चौरा इंसिडेंट। तो जो वायलेंस हुआ था जिसका मैंने अभी आपको जिक्र किया, सो 4 फरवरी 1922 को हुआ था, इसी को चौरी चौरा जो है इंसिडेंट कहा जाता है, और इसी के बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था, क्योंकि उनको पता था कि अगर यहाँ पे मूवमेंट एक बार वायलेंट हो गया तो जो आपकी ब्रिटिश सरकार है ये इसको दबा सकती है, क्योंकि अभी लोग इतने जो है परिपक्व नहीं हुए हैं कि उनमें इतनी अभी एकता नहीं आई, वो नेशनलिज्म वाली फीलिंग नहीं आई है कि हम जो है आप अंग्रेजों को भगा सकें। सो इसीलिए जो गांधी जी ने इसको कॉल ऑफ कर दिया था, ठीक है, ताकि लोगों का दमन ना किया जा सके, ज्यादा लोगों के साथ कुछ गलत ना हो, इसलिए एक्शन लिया गया था, ठीक है। चलिए सो क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 4 फरवरी 1922। निम्न में से किस राज्य में 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी? महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड नन ऑफ दी अबव। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, कहां पर हुई थी चौरी चौरा की घटना, लेट्स सी। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ दी अबव, क्योंकि ये कहां पर हुई थी, ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में कोई भी नहीं है उत्तर प्रदेश, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी को? दिलीप गोपाल गोपाल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दिलीप ऑप्शन डी होगा, क्योंकि यहां पर आपका गोरखपुर में हुआ था, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बर्थ सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ लीजेंडरी क्लासिकल सिंगर पंडित भीमसेन गजराज जोशी स्टार्टेड। तो यहाँ पर जो 100वीं सालगिरह है किसकी, पंडित भीमसेन गुरुराज की, इनकी सेलिब्रेशन भी सालाना चल रही है। सो इस ओकेजन पे फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया जो है एक बायोपिक इनके ऊपर जो है स्क्रीन करेंगे, जिसको गुलजार के द्वारा डायरेक्ट किया गया है। ऋत्विक फाउंडेशन फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 2 दिन का इवेंट जिसका नाम है स्वर भास्कर 100 उनकी याद में, ताकि उनकी जो लेगेसी है उसको याद किया जाए। तो मुंबई में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा स्वर भास्कर 100 को। सो ये जो पंडित भीमसेन जोशी हैं ये किराना घराना से थे ऑफ द हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, और इनको 2009 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये घराना क्या है? सो आपको पता है कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो है इसमें मेनली आपके 2 स्टाइल ऑफ म्यूजिक होते हैं, एक हिंदुस्तानी है और एक कर्नाटिक है। हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ म्यूजिक जो है उसमें काफी वेरिएशंस किए जा सकते हैं, बट जो कर्नाटिक स्टाइल है वो आपको यूजुअली साउथ इंडिया में जो आपका फॉलो होता है स्टाइल ऑफ म्यूजिक वो है, एंड इसमें वेरिएशंस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर घराना जो वर्ड है ये आपका हिंदुस्तान स्टाइल ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का एक सब स्टाइल है, ठीक है। हिंदुस्तानी में भी अलग अलग घरानाज हैं।
सो जैसे आगरा घराना है, ग्वालियर घराना है, जयपुर घराना, किराना घराना, मेवती घराना, ये कुछ नाम है घराने के जो हिंदुस्तान स्टाइल ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में आते हैं। ठीक है, तो आपने कहीं देखा होगा कि अभी कुछ पिछले वर्ष काफी जो म्यूजिशियन थे उनकी डेथ हो गई थी, और कोई आगरा घराना से था, कोई दिल्ली घराना से था। ठीक है, इस तरह से अलग अलग यहाँ पर घराना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी हुज बर्थ सेंटेनरी सेलिब्रेटेड दिस ईयर बिलोंग टू डैश घराना ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी, जिनकी जन्म शताब्दी इस वर्ष मनाई जा रही है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के डैश घराने से संबंधित है। आगरा, ग्वालियर, जयपुर एंड किराना, तो जल्दी से बताइए कहां से संबंधित है पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी, जल्दी से बताइए गाइस। यस, गोपाल, रूपाली, दिलीप, जल्दी बताइए। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज किराना घराना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? हर साल ये 4 फरवरी को मनाया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता पैदा की जा सके कि भाई कैंसर कैसे आपका डिटेक्ट किया जा सकता है, कैसे इसको रोका जा सकता है और कैसे इसका उपचार किया जा सकता है, कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है। इट इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ सिंगिंग ऑफ चार्टर ऑफ पेरिस अगेंस्ट कैंसर। और इसके अलावा ये स्टार्ट कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड समिट अगेंस्ट कैंसर जब 2000 में हुआ था पेरिस में, तब से ये वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाना शुरू हुआ। कौन ऑर्गेनाइज करता है इसको? यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल इसको ऑर्गेनाइज करता है। और थीम क्या है इसकी? आई एम एंड आई विल, मैं हूं और मैं रहूंगा। ठीक है, तो कैंसर एक वन ऑफ द लीडिंग कॉज है, सेकेंड लीडिंग कॉज है डेथ का ग्लोबली। देखिए गाइस कितना खतरनाक है कि हर मिनट यहां पर 17 लोग पूरे विश्व में कैंसर से मर जाते हैं, है ना। कीमोथेरेपी ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है एंड कई बार ऑपरेशन भी होता है, तो डिपेंडिंग ऑन कि कैंसर आपका मेलाइन है या बेनाइन है। ठीक है, तो उस बेसिस पे ये आपका होता है इसका ट्रीटमेंट। ठीक है, तो आपने देखा होगा कई लोग के कैंसर में कीमोथेरेपी में बाल बाल उड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। सो कैंसर, और हाँ, इसमें कैंसर की जो स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ कैंसर को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ कैंसर को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइए। वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश, विश्व कैंसर दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है। 4 फरवरी, 8 मार्च, 16 अप्रैल एंड 1 दिसंबर। सो वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं गाइस, जल्दी बताइए। यस, अभी कल तोमर, बिल्कुल सही आंसर है आपका, 4 फरवरी को ये मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस न्यूज। यूएस और रशिया एक्सटेंडेड द न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रीटी फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगले 5 सालों के लिए यहां पर फाइनली जो स्टार्ट ट्रीटी है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी है, यूएस और रशिया के बीच में साइन हो चुकी है आने वाले 5 वर्षों के लिए। अभी 5 फरवरी को, यानी कि आज ये एक्सपायर होने वाली थी, लेकिन पहले ही इन्होंने इसको साइन कर लिया और अब 5 फरवरी 2026 में ही एक्सपायर होगी। ठीक है, सो इसमें क्या है कि जो भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर है, ठीक है, न्यूक्लियर सब जो आपकी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर है, हैवी बॉम्बर्स इक्विप्ड विद न्यूक्लियर वॉरहेड से, इन सभी पे यहाँ पे लिमिट कर दी जाएगी। तो ये जो स्टार्ट ट्रीटी है ये दोनों देशों के बीच में 8 अप्रैल 2010 में साइन हुई थी, फिर फरवरी 2011 में ये फोर्स में आई थी। इसने रिप्लेस किया था जो 1991 में स्टार्ट वन ट्रीटी साइन हुई थी। तो कोल्ड वॉर ईयर्स में आपको याद है कि दोनों देशों के बीच में, यूएसएसआर और यूएस के बीच में, कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में कंपटीशन चल रहा था। सो एक तरह से वॉर रेस चल रही थी, आर्म्स रेस चल रही थी। ठीक है, दोनों के बीच में। फिर उसके बाद यहाँ पर 1991 में आपका जो यूएसएसआर है उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, सोवियत संघ बिखर गया और वहां पर बचा रशिया। फिर रशिया और यूएस के बीच में यहाँ पर जो है स्टार्ट वन ट्रीटी साइन हुई। इसके बाद 2002 में स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी भी साइन हुई थी, सॉट नाम की। और ये जो नई स्टार्ट ट्रीटी साइन हुई 2010 में, इसने इन दोनों को, एक को रिप्लेस किया है और एक को सुपरसीड किया है। ये यूएसए और रशिया के बीच में जो है साइन है कि भाई दोनों ही कंट्रीज जो है यहाँ पर अपने जो भी आर्म्स हैं, ठीक है, जो ऑफेंसिव आर्म्स हैं, इन पे लिमिट लगाएंगी। ठीक है, सभी को क्लियर है? यस, बिल्कुल गोपाल, बहुत सारे टाइप्स होते हैं कैंसर के। ठीक है,
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रीटी, न्यू स्टार्ट परमाणु संधि के बारे में, निम्न से कौन सा कथन सही है। इट वॉज साइंड ऑन 8 अप्रैल 2010, 8 अप्रैल 2010 को हस्ताक्षरित की गई थी। दिस इज अ न्यूक्लियर ट्रीटी बिटवीन जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और अमेरिका के बीच ये एक परमाणु संधि है। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है, जल्दी से गाइस कमेंट करके बताइए। यस रूपाली, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, ऑप्शन ए 2010 में साइन हुई थी और जापान और यूएस के बीच में नहीं, रशिया और यूएस के बीच में साइन हुई है। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, ये डिक्लाइन कर रहा है। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? व्हेन इनकम फ्रॉम गुड्स जब हमारी जो इनकम है जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स से जो आती है, हम जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि हम इंपोर्ट ज्यादा करें, जब एक्सपोर्ट कम हो उससे जो हमारी इनकम जनरेट हो रही है, सो व्हेन इनकम जनरेटेड फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज लेस देन पेमेंट मेड फॉर इंपोर्ट, तो यहां पर क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट होता है। तो ध्यान रखना दो चीज होती है, करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, एक होता है आपका ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट सिर्फ हम गुड्स की बात करते हैं कि जब आप किसी कंट्री से इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो गुड्स, ठीक है, तो वहां पे पेमेंट ज्यादा कर रहे हो और जो एक्सपोर्ट कर रहे हो वो कम कर रहे हो, तो आपकी इनकम कम हो रही है, तो उसके बीच में एक घाटा हो गया आपको, तो वो जो घाटा होता है, व्यापार घाटा होता है आपका, वो आपका ट्रेड डेफिसिट होता है। ठीक है, तो अब ये चाइना के साथ बहुत समय से हमारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा था और अब ये ट्रेड डेफिसिट धीरे धीरे घट रहा है साल प्रति साल, ये जो है ऑब्जर्व किया गया है। दूसरा करंट अकाउंट डेफिसिट की अगर हम बात करें तो वो गुड्स की भी बात करता है, सर्विसेज की भी बात करता है और वो पेमेंट्स की भी बात करता है जो हमें रेमिटेंसेस की फॉर्म में, गिफ्ट्स की फॉर्म में रिसीव होते हैं। क्लियर सभी को? ओके, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट 23% ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हैज बीन ऑब्जर्व इन द ट्रेड डेफिसिट ऑफ द लास्ट थ्री फाइनेंशियल ईयर्स। तो यहाँ पर जो देखा गया है कि पिछले 3 वर्षों में 23% तक यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट में घटौती हुई है, यानी कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन देखा गया है। इसके अलावा जो इंडिया का एक्सपोर्ट है ये 24% से ज्यादा बढ़ा है और इम्पोर्ट जो है 24% से ज्यादा बढ़ा है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट 14% तक जो है यहाँ पर कम हुआ है। सो गवर्नमेंट हैज टेकन सेवरल इनिशिएटिव्स टू रिड्यूस ट्रेड डेफिसिट विद चाइना। तो हमने काफी स्टेप्स लिए थे, जैसे कि हम यहाँ पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनिए, ठीक है, सेल्फ रिलायंट बनिए, फिर उनको एक्सपोर्ट के लिए हम जो है स्टेप्स ले रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स को, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर गवर्नमेंट ने काफी इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे की वजह से ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ यहाँ पर कम हुआ है। So, दोनों कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट था 2018-19 में यूएस डॉलर 53.56 बिलियन था एंड इसके बाद 17-18 में ये आपका 63 बिलियन था। तो 17-18 में 63 था, 18-19 में 53.56 बचा, इसके बाद 2019-20 में ये 48.66 बिलियन बचा है। दोनों कंट्रीज का जो ट्रेड है 2019 में वर्थ ऑफ गुड्स अगर बात करें तो 92.68 बिलियन डॉलर का दोनों कंट्रीज के बीच में यहाँ पर ट्रेड हुआ है। In recent years, China has emerged as a major market for Indian products like seaweed, petrochemicals, gems and jewelry. तो भारत में जो जो चाइना है, भारत के कुछ प्रोडक्ट्स के लिए चाइना एक मेजर मार्केट के तौर पर उभरा है, जैसे कि सी फूड, पेट्रोकेमिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ठीक है। फिर यहाँ पर हम देखिए बात करते हैं कि कितना एक्सपोर्ट हुआ कितना इंपोर्ट हुआ। तो इंपोर्ट का आप यहाँ देख सकते हैं कि ट्रेड जो मिलियन यूएस डॉलर में है ये ज्यादा हुआ है और जो एक्सपोर्ट है वो काफी कम हुआ है, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट यहाँ पर रहा है। लेकिन यहाँ पे साल बाई साल यहाँ पर आपका जो ट्रेड डेफिसिट है घटता जा रहा है। क्लियर है सभी को? ओके, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंडिया चाइना ट्रेड। क्वेश्चन पे गाइस फोकस करिए, क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारत चीन व्यापार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? India's trade deficit with China has declined continuously. चीन के साथ भारत के व्यापार घाटे में लगातार गिरावट आई है। China has emerged as a major market for Indian products like seafood, petrochemicals, gems and jewelry. Seafood, petrochemical, रत्न और आभूषण जैसे भारतीय उत्पादों के लिए चीन एक प्रमुख बाजार के रूप में उभरा है। So you have to select the correct code, one only, two only, both one and two and none of the above. So guys, quickly comment the correct answer. What will be the correct answer for this?
जल्दी से कमेंट करके बताइए गाइस. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, बोथ वन एंड टू. ओके, यस रूही, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका. आगे बढ़ते हैं हम लोग. नेक्स्ट इज बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन इन इंडिया की. तो यहाँ पर जो भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन है, ये इसकी हम बात करते हैं. तो अभी करेंटली यहाँ पे आपके 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं, जिनकी कैपेसिटी 6780 मेगावाट है, दीज आर करेंटली ऑपरेशनल इन इंडिया. ये आपके भारत में चालू है. और इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स के एडिशन में 8 न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है वो आपके अंडर कंस्ट्रक्शन है. यानी 22 बिल्कुल यहाँ पर आपके वर्किंग कंडीशन में है, ऑपरेशनल है भारत में, और 8 न्यूक्लियर रिएक्टर आपके अंडर कंस्ट्रक्शन है. इसके अलावा गवर्नमेंट का एम है कि भाई जो हमारी न्यूक्लियर कैपेसिटी है इसको 22,480 मेगावाट 2031 तक कर दिया जाए. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो न्यूक्लियर एनर्जी है, देखिए न्यूक्लियर एनर्जी रिस्क रहता है, ठीक है, रिस्क होता है. बट अगर हम इन टर्म्स ऑफ देखें कि भाई जितना आपका जो थर्मल एनर्जी जो आपकी प्रोड्यूस होती है, जो आपकी कोल से जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो कोल वहां पर आपका बहुत सारा पोल्यूशन करता है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी में पोल्यूशन बहुत कम होता है. बस ये है कि हाँ, इसमें रिस्क आपका बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है. तो यहाँ पे इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन को हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. और जो हमारे थोरियम रिजर्व्स है, आपको पता है भारत में यूरेनियम रिजर्व्स कम है और थोरियम रिजर्व्स यहाँ पर ज्यादा है. तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हमें जो अपना बिल्ड करना है, वो इस तरह से करना है कि उसको हम थोरियम को भी यूटिलाइज कर सकें. गवर्नमेंट हैज ऑल्सो अप्रूव द कंस्ट्रक्शन ऑफ 10 इंडिजिनस 700 मेगावाट प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स एंड 2 लाइट वाटर रिएक्टर्स. तो यहाँ पर 2 लाइट वाटर रिएक्टर और 700 मेगावाट की 10 जो स्वदेशी रूप से निर्मित प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर के कंस्ट्रक्शन को मंजूरी दे दी गई है. करेंटली इंडिया प्रोड्यूसेस लेस देन 2% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स. तो करेंटली देखिए, बस यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्रोड्यूस होती है, केवल 2% से भी कम यहाँ पर न्यूक्लियर से प्रोड्यूस होती है और 60% से भी ज्यादा यहाँ पे कोल से प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. तो यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाए हम, ठीक है, ताकि जो आपका पोल्यूशन लेवल है वो कम हो, हमारा जो कार्बन एमिशन है वो कम हो. इंडिया विल एड अ न्यूक्लियर कैपेसिटी ऑफ 5,300 मेगावाट इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स. तो गवर्नमेंट का एम है कि आने वाले 5 वर्षों में टोटल 5,300 मेगावाट की जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है इसको एड किया जाए. इसके अलावा एनपीसीएल की हम बात करें, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये आपकी एक इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि न्यूक्लियर पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत कार्य करती है. क्लियर है सभी को? चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइए. द गवर्नमेंट हैज एम टू इंक्रीज द न्यूक्लियर कैपेसिटी टू 22,480 मेगावाट बाय डैश. सरकार ने डैश तक परमाणु क्षमता को 22,480 मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है 2026, 2031, 2025 एंड 2024. तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर गाइस. ओके, यस दिलीप, दिस इज डेंजरस, रिस्क रहता है. बट बहुत ही अभी जैसे काफी समय से जो आपके इवेंट्स हुए हैं ऐसे जहां पर नुकसान हुआ, स्पेशली जापान में, तो उसके बाद से काफी कंट्रीज ने यहां पर एक्शंस लिए हैं. कुछ इस तरह का मैकेनिज्म बनाया है कि मिनिमम से मिनिमम यहां पर जो है, अगर कभी कुछ ऐसा केस होता है, न्यूक्लियर एक्सीडेंट होते हैं, तो मिनिमम से मिनिमम यहां पर जो है नुकसान हो. तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज 2031. ओके अनूप, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज 2020 हैज बीन द वर्स्ट ईयर फॉर वर्ल्ड टूरिज्म, विश्व पर्यटन के लिए 2020 सबसे खराब साल रहा है. क्यों रहा है? सो यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर रिपोर्ट 2020 जारी की है. उसमें कहा कि जो विश्व पर्यटन है इसके लिए आपका जो 2020 साल है सबसे बेकार रहा है. इंटरनेशनल अराइवल्स यहाँ पर 74% ड्रॉप हुए हैं. इसका मेन रीजन आप जानते हैं, COVID-19 इसका एक मेन रीजन है. टूरिज्म इंडस्ट्री फॉर एशियन पैसिफिक रीजन्स हैव बीन इम्पैक्टेड मोस्ट बाय द पैंडेमिक. तो एशिया पैसिफिक रीजन की जो आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री है, पैंडेमिक की वजह से, क्योंकि काफी समय से फ्लाइट्स बंद थी, ठीक है, लॉकडाउन था, तो लोग ट्रैवल यहाँ पे प्रेफर नहीं कर रहे थे. इट हैज रिकॉर्डेड अ डिक्लाइन ऑफ 300 मिलियन टूरिस्ट. तो यहाँ पर 300 मिलियन टूरिस्ट का जो है गिरावट इसको दर्ज करी गई है. वहीं पर मिडिल ईस्ट और अफ्रीका रीजन्स है, इन्होंने 75% डिक्लाइन को रिकॉर्ड किया है. यूरोप ने यहाँ पर 70% डिक्लाइन जो
जो डिक्रीज है वो अराइवल में रिकॉर्ड किया है. दिस रिपोर्ट हैज एस्टिमेटेड अ लॉस ऑफ यूएस 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स एंड जॉब लॉस ऑफ अबाउट 100 मिलियन पीपल. तो आपको पता है कि टूरिज्म एक मेजर सोर्स है इनकम का, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लिए. एंड इसके अलावा ये काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है, तो काफी लोगों की यहाँ पे जॉब चली गई और इसके अलावा यहाँ पर जो है आपका बहुत सारा लॉस भी हुआ है, इकोनॉमिक लॉस भी हुआ है टूरिज्म को, ठीक है. द रिपोर्ट शोज अ मिक्स्ड प्रोस्पेक्ट्स फॉर 2021. तो वो कह रहे हैं कि 2021 में देयर आर चांसेस के कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर टूरिज्म बेटर हो, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि देर में भी फर्दर वर्सनिंग ऑफ द सिचुएशन और उल्टा भी हो सकता है. कुछ एक्सपर्ट्स का बिलीव करना है कि जो प्री पैंडेमिक लेवल्स था ये 2023 से पहले अचीव नहीं हो सकता है, ठीक है. उनका मानना है कि 2019 में जैसी सिचुएशन थी, 2018 में जैसी सिचुएशन थी टूरिज्म को लेकर, वो 2023 से पहले अभी आप एक्सपेक्ट मत करिए कि ऐसा होगा, ठीक है. ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है. वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और टूरिज्म को प्रमोट करना इसका एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि सब कंट्रीज में इकोनॉमिक ग्रोथ में एक फैक्टर यहाँ पे टूरिज्म हो. करंटली इसमें 159 मेंबर्स हैं, 6 एसोसिएट मेंबर्स हैं. हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसके मैड्रिड स्पेन में है, ठीक है. इसके याद रखिएगा क्योंकि इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं थोड़े डिफरेंट है जगह पर है, तो हो सकता है क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए, ठीक है. ओके, सो क्वेश्चन का आंसर बताइए. द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन डैश. विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय डैश में स्थित है. पेरिस, जेनेवा, मैड्रिड एंड न्यूयॉर्क. जल्दी से बताइए गाइस कमेंट करके. सो कहां पर लोकेटेड है इसकी हेडक्वार्टर? इसके हेडक्वार्टर है आपके मैड्रिड में, मैड्रिड स्पेन में इसके हेडक्वार्टर लोकेटेड है. सो गाइज हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन सभी कवर कर लिए हैं. एंड गाइज इसलिए एक चीज और इंपॉर्टेंट है, 9:30 बजे बजट की क्वेश्चन की क्लास होगी, ठीक है. मैं पहले भी बता चुकी हूँ बजट के क्वेश्चंस की क्लास होगी, तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए अभी से ही, ठीक है. और हम यहाँ पर 9:30 बजे रात को 9:30 PM पर हम लेंगे और यहाँ पर बजट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो इस क्लास को आप जरूर अटेंड करिएगा. और 5 बजे हम आरआरबी एनटीपीसी की एनालिसिस लेकर आएंगे, जीके के सारे क्वेश्चन कराएंगे जो आप आज पूछे गए हैं, तो उस क्लास को भी आप अटेंड करिएगा. अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते रहिए. सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस. थैंक यू सो मच.